तो मैं आपको अपना 10th लेसन देना चाहता हूँ, ये आखिरी लेसन है। तो ये मैसेज मैं आपको सिर्फ डॉक्टर्स को नहीं तो बल्कि पेशेंट्स को भी देना चाहता हूँ। देखिए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो बहुत एरोगेंटली बिहेव करते हैं और उसकी वजह से हम दुखी हो जाते हैं एज अ डॉक्टर। तो मैं आपको कहूँगा बेसिकली, आप देखिए आपको 4 प्रकार के पेशेंट आपके पास आएंगे। पहले प्रकार का पेशेंट जो आपको गॉड समझ के आता है, भगवान समझ के आता है, उसको भगवान की तरह रिप्लाई कीजिए, उसको उसी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश कीजिए, उसी तरह से ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। आई अंडरस्टैंड वी कैन नेवर बी गॉड बट ट्राई टू गिव हिम योर लेवल बेस्ट। सेकेंड टाइप का पेशेंट होता है जो आपको डॉक्टर समझ के आता है, ये सबसे बेस्ट पेशेंट होते हैं, इनके एक्सपेक्टेशन लेवल रियलिस्टिक होते हैं और आप इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं। थर्ड टाइप का पेशेंट होता है जो आपको लूटर समझ के आएगा, उसका एक मेंटेलिटी ही होता है कि डॉक्टर मतलब लूट लेता है, डॉक्टर अननेसेसरी किडनी निकाल देगा, हार्ट निकाल देगा, कुछ निकाल देगा, कोई ना कोई गड़बड़ करेगा। तो ये बहुत डेंजरस टाइप के पेशेंट्स होते हैं। और फोर्थ टाइप का पेशेंट होता है जो आपको डेमन समझ के आएगा, राक्षस। तो थर्ड और फोर्थ से बहुत ही बच के बिहेव कीजिए। ऑफन ऐसा होता है थर्ड और फोर्थ टाइप के पेशेंट आने की वजह से हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी बार शुरुआत में होता था प्रैक्टिस में, तो लकीली अभी नहीं होता उस एक्सटेंड तक, क्योंकि नाउ आई एम प्रोबेबली मोर नोन, मोर सक्सेसफुल। सो दो सॉर्ट ऑफ पेशेंट्स डू नॉट कम एंड दे डू नॉट टॉक नेगेटिव, बट शुरुआत में ऐसा होता था तो मैं बहुत डीमोटिवेटेड हो जाता था कभी कि मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, 100% दे रहा हूँ, फिर भी ये पेशेंट ऐसे आके ऐसे एरोगेंटली क्यों बिहेव करते। तो ऑफन ऐसे कुछ अमीर पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो आपको इन्फीरियर बताने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप डॉक्टर होने के बावजूद एक ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे, स्ट्रगल कर रहे, और मैं एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन हूँ। एंड दे विल ट्राई टू बिहेव एज इफ दे आर बाइंग यू, नॉट ओनली बाइंग योर सर्विसेज बट बाइंग यू। सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड। दिस मैसेज इज स्पेसिफिकली फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स, दिस विल ऑफन हैपन टू यू इन योर प्रैक्टिस। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे एक सेइंग है जो कहती है कि पायल हमेशा पैर में पहनी जाती है और बिंदिया हमेशा सर पर लगाई जाती है, तो द मेडिकल प्रोफेशनल्स विल ऑलवेज बी लाइक दैट बिंदिया। तो भले लोग उसका इम्पोर्टेंस समझे या ना समझे, जब हेल्थ खराब होती है तब डॉक्टर का इम्पोर्टेंस रियलाइज होता ही होता है। और मैं एक ही कहना चाहूँगा कि हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि 7 जन्म होते हैं, अगर मेरा ये फर्स्ट जन्म हो और अगर मेरे 6 जन्म बाकी है तो मैं भगवान को यही कहूँगा कि मुझको हर जन्म में डॉक्टर ही बनाया जाए, क्योंकि इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। सो दिस इज़ माई फाइनल मैसेज टू यू मेडिकल स्टूडेंट्स।